रोमिल कपूर बोल रहे हैं सर एक पी फंड मैनेजर है बड़ा ही फेमस वो अपने पॉडकास्ट में बोला कि बजाज फाइनेंस जो है वो आई के कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को यूज़ करता है और उसे माइनिंग डेटा करता है वो और बजाज फाइनेंस एक टेक कंपनी है जो एनबीएफसी की तरह है तो दूसरे शायद टेक्नोलॉजी का प्राइस अर्निंग्स मिलना चाहिए मेरा आपका व्यू क्या है सर देखो बजाज फाइनेंस को हम जब से जानते हैं जब से सारे पीएमएस के फंड मैनेजर और जो जितने जन हैं वो सब इन्वेस्टिंग करना स्टा का बजाज फाइनेंस की एनालिसिस का स्टार्ट भी नहीं किए थे तब से हम जानते हैं हमने बजाज फाइनेंस को 500, 600, 700 के प्राइस से देखा लिया है और उसको पूरा 5000 तक रखा है तो आपको एक बात बोलते हैं अगर आप बजाज फाइनेंस को टेक्नोलॉजी कंपनी समझेंगे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और अपने काम में तो क्या आप इन्फोसिस को हाउसिंग कंपनी समझ लेंगे क्योंकि वो अपने एम्प्लॉज़ को हाउसिंग लोन देती है देखिए टेक्नोलॉजी टेक, इनेबलर है बजाज फाइनेंस के लिए टेक्नोलॉजी उसके लिए एंड प्रोडक्ट नहीं है इनेबलर है तो क्या अगर कल के दिन बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ब्रांच में सॉफ्टवेयर यूज़ करे टेक्नोलॉजी यूज़ करे कंप्यूटर यूज़ करे तो क्या मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को भी टेक्नोलॉजी बना दूँ फिर तो मैं सभी को टेक्नोलॉजी बना लूँ जो आप रेलवे बुकिंग करने गए हैं वहाँ पर वो रेलवे के बुकिंग करने के लिए अगर वो वहाँ बैठा है और उसने वहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ किया है तो उसको भी मैं टेक्नोलॉजी बना दूँ तो ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज कोई टेक्नोलॉजी को, को यूज़ कर रहा है इसीलिए आप उसको टेक्नोलॉजी बना देंगे अगर आपकी कंपनी टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट बेच रही हो तभी तो वो टेक्नोलॉजी होगा अदरवाइज टेक्नोलॉजी इज़ ए रॉ मटेरियल आपके लिए एक रॉ मटेरियल है साधन मात्र है सिर्फ कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं नो no डाउट बजाज फाइनेंस बहुत डेटा माइनिंग करती है हर एक क्लाइंट का हर एक कस्टमर का डेटा वो यूज़ करती है उसको अंदर से दूसरा तीसरा चौथा डेरिवेटिव लेवल का निष्कर्ष निकालती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बजाज फाइनेंस को टेक्नोलॉजी कंपनी बना दें कल ए आएगा तो हर एक कंपनी ए यूज़ करेगी तो हर एक कंपनी ए आई की इनेबलर होगी ए जैसी कंपनी नहीं बन पाएगी तो उसी ढंग से सोचना चाहिए बस बाकी तो ठीक है डिफरेंट ओपिनियंस में का मार्केट उसका क्या बोलोगे आप